नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ब्रुसेल्स में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर हुए घातक आतंकी हमलों के बाद वहां फंसे 28 चालक दल के सदस्यों समेत 242 यात्रियों को लेकर जेट एयरवेज का विमान आज सुबह दिल्ली पहुंचा। जेट एयरवेज के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह 5:30 बजे विमान इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान कल एम्स्टर्डम से स्थानीय समय के अनुसार 4:54 पर रवाना हुआ था। होली पर मोदी बने केजरीवाल के फॉलोअर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगों के त्योहार होली के दिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर बन गए। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सर, मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भविष्य में केंद्र और दिल्ली के रिश्ते बेहतर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले से ही ट्विटर पर प्रधानमंत्री के फॉलोअर है। मोदी और केजरीवाल ट्विटर पर खासे लोकप्रिय है और दोनों ही नेताओं की मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की प्रतिमाएं लगने जा रही है। प्रधानमंत्री के ट्विटर पर 1,88,00,000 से अधिक फॉलोवर है। वही वे 1,371 लोगों को फॉलो करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2.5 महीनों से चला आ रहा राजनीतिक ड्रामा खत्म हो गया है। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री को पीडीपी विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 30 विधायकों की बैठक के बाद सरकार बनाने को लेकर पिछले 2.5 महीनों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। सईद की बेटी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी महबूबा मुफ्ती ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पदभार संभालने का फैसला किया है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी।